here. Oh, हेलो एवरीवन, आई एम योर लविंग हार्दिक कुमार। कैसे हैं आप सब लोग? सो लास्ट वाले फूड व्लॉग में आप सबका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि क्यों ना कुछ और बढ़िया से फूड व्लॉग बनाया जाए आप सब व्यूअर्स के लिए, आप सब सब्सक्राइबर फैमिली के लिए। सो आई थॉट कि क्यों ना कुछ एक बढ़िया सा, कुछ ऐसी यूनिक सी फूड आइटम ढूंढी जाए जो पूरे शहर में शायद ही कहीं मिलती हो या फिर कुछ ऐसी ऐसा स्पेशलिटी हो। तो बहुत 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 ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसी फूड डेस्टिनेशन मिली, एक जगह ऐसी मिली जो कि पूरे भावनगर शहर में सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है, और वो भी भावनगर की नहीं है, दरअसल वो फूड दूसरे शहर का है, यस, सूरत का। तो आज बात करेंगे उस फूड के बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी डिटेल में। तो पूरा वीडियो देखेगा, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा और आपको ट्राई करने के लिए एक नई फूड डिश मिलेगी आज के इस व्लॉग में। तो मैं गाइस यहाँ पे आया हूँ सूरत का बहुत ही ज़्यादा फेमस फूड खावसा ट्राई करने के लिए, और उसका कुछ लोकेशन इस टाइप का है सेटअप, आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ खावसा शॉप का नाम है, बट मेनली आप खावसा देख जाएंगे तो पहचान जाएंगे। और उसके ठीक पीछे बना हुआ है ये चौगस पार्क, और अगर आप इस साइड से आते हैं तो सामने बना हुआ है आताबाई चौक, और अगर पूरा घूम के अगर आपको बताऊँ तो ये सामने बना हुआ है खोड़ियार माता का मंदिर, और इसके इस साइड आप मुड़ जाएंगे तो संस्कार मंडल पहुंच जाते हैं, और इस साइड से आप सरदार नगर तक जा सकते हैं। उसके ठीक यहाँ सामने बना हुआ है ये खावसा शॉप। तो आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स जो कि स्पेशली सूरत से बिलोंग करते हैं या फिर सूरत आते जाते रहते होंगे, वो वीडियो का जो मतलब पोस्टर है वो देख के बोल रहे होंगे क्या मामू बना रहा है, कि बोल रहा है वहाँ मतलब इंटरनेशनल फूड और अंदर दिखा रहा है खावसान। डेफिनेटली मतलब मुझे भी लगता था कि ये सूरत का ही एक्चुअली फूड है। पिछले साल जब मैं सूरत गया था, मेरे कज़िन ब्रदर ने मुझे टेस्ट करवाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और मैं भी यही मानता था कि खावसान एक्चुअली सूरत का बेसिक वहाँ का मतलब ओरिजिन फूड है। बट उसके बाद मैं पिछले साल क्रिसमस के टाइम न्यू ईयर के लिए थाईलैंड गया था, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। डेफिनेटली बैंकॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस शहर है पूरी दुनिया के लिए, और वहाँ की एक फेमस जगह है जिसका नाम है खावसान रोड। बस उसी रास्तों के उस गलियों में मैं घूम रहा था, खावसान रोड की गलियों में, और मुझे फील हो रहा था कि खावसान 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 मतलब कुछ तो कनेक्शन है। एंड देन सडनली आई वॉज रियलाइज कि खावसा ये तो मैंने सूरत में ही खाया था, और थोड़ा बहुत वहाँ पे मैंने जाके रिसर्च किया, ढूंढा, तो मुझे वहाँ पे भी खावसा मिला, और काफ़ी ज़्यादा वेराइटी में, वेज नॉन वेज चिकन मटन के साथ, और बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ में। और थोड़ा बहुत मैंने और देखा जाना तो पता चला कि एक्चुअली ये म्यांमार बर्मा जो कि हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पे भी मिलता है, एक्चुअली ये वहाँ का ओरिजिन है, वहाँ का बेसिकली ये फूड है खावसा, और वहाँ पे उसे खाओ सुई के नाम से जाना जाता है म्यांमार में। और हालांकि थाईलैंड भी बर्मा यानी कि म्यांमार का पड़ोसी देश है, एक्चुअली वेस्ट साइड में इंडिया है और इस साइड में थाईलैंड है, तो थाईलैंड में भी ये है और उन दोनों का कल्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो थाईलैंड में इसे खाओ सुई कहा जाता है। शायद सालों पहले हमारा कोई गुजराती वहाँ गया होगा, उसे पसंद आ गया होगा तो ये रेसिपी उठा लाया, और उसने उसे काट के शॉर्ट कर दिया खावसा, जो कि हम काफ़ी टाइम से खाते आ रहे हैं। तो बेसिकली ये वहाँ का फूड है, और वहाँ पे जो मिलता है बिल्कुल मतलब फीका फीका मिलता है, बट हम गुजरातियों का हमेशा हमेशा से रहा है कि खाना चाहे हेल्दी हो या ना हो, चटपटा होना ज़रूर चाहिए। तो डेफिनेटली हमारा वाला है वो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी एंड स्पाइसी वगैरह रहता है, और थोड़ी बहुत यहाँ आपके साथ मैं उसकी फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा 25 दिसंबर क्रिसमस नाइट की वहाँ खावसान रोड की। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लगता है कि मुझे खावसान रोड और अच्छे से देखना है, तो इस वीडियो के एंड में आपको मैं पूरा आपका वीलॉग दे दूंगा खावसान रोड वाला, वो अच्छे से देखिए, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली, क्योंकि खावसान रोड बैंकॉक शहर का एक ऐसी जगह है जहाँ जाए बिना आपका बैंकॉक का सफ़र हमेशा अधूरा रहता है। और इसके अलावा अगर आपको थाईलैंड के बारे में थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जानना है मैं कैसे गया था, वीज़ा वगैरह कैसे लिया, कितना खर्चा आया, कहाँ मैं रुका, क्या कुछ खाया, थाई फूड और दूसरे थाई फूड के बारे में या फिर इंडियन फूड वहाँ पे कैसा मिलता है, और भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, वो सब अगर आपको जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक बढ़िया सा प्यारा सा प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने थाईलैंड सीरीज़ का, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि 10 दिन का वो सफ़र था और मेरा पहला इंटरनेशनल सफ़र था, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था, तो आराम से टाइम है तो देखिए मज़ा आएगा, उनको भी लाइक कीजिएगा, पसंद आए वो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा,
और वैसे यही मेरी मेन वजह रहती है कि मैं सदर अपने व्लॉग्स हिंदी में शूट करता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स नॉन गुजराती भी है, और अगर शायद ये कोरोना नहीं आया होता तो दो चार देश अब तक और भी ज़्यादा घूम लिए होते। तो आप सपोर्ट करते रहिएगा, दुनिया काफ़ी ज़्यादा घूमनी है, बहुत सारा सफ़र बाकी है आपका भी और मेरा भी। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस जगह के बारे में। वैसे तो भावनगर में फ़िलहाल ये एक ही ऑप्शन है खावसान के लिए, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी काफ़ी अच्छा टेस्टी है, भाई साहब बनाते हैं। और इनके टाइमिंग की अगर बात करूँ तो एवरीडे इवनिंग 5 to 9, यानी कि रोज़ शाम को 5 से 9 बजे के लिए ये भाई साहब यहीं पे मिलते हैं। लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे है, और बहुत रिजनेबल दाम है, सिर्फ 30 रुपये में ये प्लेट पर प्लेट सर्व करते हैं, और दाम के हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी अच्छी क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ये सर्व करते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने तक अगर आपने पहले कभी खावसान फूड का नाम नहीं सुना था, आपको पता ही नहीं था खावसान करके ऐसा कुछ फूड होता भी है, तो डेफिनेटली एक बार ये ट्राई करना बनता ही है। तो चलिए फिर आपको मैं बताता हूँ कि इस फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, और किसका ऐसा मतलब इसका टेस्ट कैसा वगैरह है, और क्या कुछ ऐसा स्पेशल बनाता है। चलिए फिर ट्राई करते हैं, आ जाइए। ओके, ये डाल दी पापड़ी। लहसुन का पाउडर, ओके, गार्लिक पाउडर, ये कांदा, ग्रीन ऑनियन, ये नूडल्स, टोमेटो चटनी, ये स्पाइसी चटनी, और ये नींबू, ये है खावसा जो कि बेसिकली कोकोनट से बनता है, कोकोनट सूप टाइप। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं खावसा। वैसे भावनगर में मैं डेफिनेटली पहली बार खा रहा हूँ, शायद पिछले साल मैं सूरत गया था तभी मैंने खाया था, जब स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह घूमने गया था, आपने डेफिनेटली उसके वीडियोस देखे होंगे। सो लेट्स ट्राई कि भावनगर में कैसा मिल रहा है। ये भी बढ़िया है, थोड़ा सा नींबू का बढ़िया सा खट्टा सा स्वाद, और साथ में बढ़िया सी कोकोनट सूप, यप डेफिनेटली मैटर करता है। तो सभी चीज़ एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स मिलके इसको कुछ यूनिक और अलग सा टेस्ट देते हैं। मैं किसी मतलब चीज़ के साथ इसका टेस्ट कंपेयर तो नहीं कर सकता, बट सभी चीज़ मिलके इसको एक अलग सा टेस्ट देते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा मतलब बढ़िया सा ऐसा हल्का फुल्का तो नाश्ता करना हो, वैसे हल्का तो इसका नहीं खेच सकते, तो ये डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो। स्पेशली सर्दी के मौसम में ये गर्मा गर्म इसका कोकोनट सूप वाकई इसको बहुत ही बढ़िया बनाता है, और साथ में पपड़ी खाने को भी मिल जाती हैं, तो इससे ये और भी अच्छा और यूनिक बन जाता है। तो ट्राई कर सकते हैं आप डेफिनेटली खावसा भावनगर में भी, अब तो डेफिनेटली मज़ा आ रहा है, सुपर। तो वैसे गाइस आपको आज मिलवा दूँ मेरे अपने कॉलेज के फ्रेंड से, ये है धीरेन, हम लोग एक टाइम पे कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तो सोचा कि आज मिलते हैं दिवाली के टाइम पे। वैसे ज़्यादातर मिल पाते हैं सब फ्रेंड, दूसरे भी दो चार थे जिनको बुलाया गया था मेरी तरफ से, बट वो आए नहीं। और साथ में ये जो शूट कर रहा है वो भी मेरा फ्रेंड है किशन, जिसको आपने शायद आई एम श्योर देखा होगा पालिताना वाली ट्रिप पर, 6 गांव यात्रा में हम दोनों साथ गए थे। तो है तो धीरन, कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस खावसा को लेके? अरे खावसा, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई सेव उसल जैसा आइटम है, ओके, क्योंकि उसल टाइप लगा, और ये सेव, ये एक्चुअल में सेव तो नहीं है, नूडल्स इज एक्चुअली है, नूडल्स है, और ये पापड़ी है, और ये कोकोनट से बना हुआ उसका सूप है, सूप या बहुत ही बढ़िया आइटम है। और ये भावनगर में मुझे ज़्यादातर पता है एक ही जगह पर मिलता है, डेफिनेटली, और
इस सर्दी के मौसम में कुछ गर्म खाने का मन होता है तो मैं इधर आ जाता हूं। या डेफिनेटली ये प्रेफर कर सकते हैं। मैं इधर दूसरी बार आया हुई है खावसा खाने के लिए, एक बार मैं अकेला आया था और आज तुम्हारे साथ, और बहुत ही बढ़िया आइटम है। या डेफिनेटली सर्दी के मौसम में डेफिनेटली आज मज़ा आ रहा है, गर्मा गर्म सूप के साथ, मतलब आप खा सकते हैं पापड़ी और साथ में इनबिल्ट इसमें नूडल्स और थोड़ी बहुत ग्रीन वेजिटेबल सब्जीज भी। तो डेफिनेटली तो आप सबके काफ़ी ज़्यादा फोर्स और काफ़ी सारे मैसेज कमेंट के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ और फूड व्लॉग्स करते हैं। और लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था कि कुछ यूनिक बात हो तो फूड व्लॉग बनाने का मतलब बनता है, तो आप सबके अप्रिसिएशन के बाद काफ़ी सारे सपोर्ट के बाद फाइनली ढूंढ ही ली और ऐसी कुछ और जगह हम आगे भी ढूंढ ही लेंगे, तो सपोर्ट करते रहिएगा। और ये मेरा अजीज दोस्त है हार्दिक मेहता, इसकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, थैंक यू। तो आप समझ गए होंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दैट्स इट गाइस, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए बढ़िया से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अडियोज़।